फॉर्म असेसमेंट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। फॉर्म असेसमेंट है बेसिकली पूरा का पूरा जो जो नॉर्मल जो प्रोविजन था ना, वो टोटल इनकम सेम। वाला, वो सेम है, बस खाली एक प्रोविजन एक्स्ट्रा आता है 40B। 40B में ये था कि 40B में अपने को पार्टनर्स का दो एक्सपेंडिचर को अलाउड करता है, पहला है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स और दूसरा है रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स में क्या केसेस है, ये जो एक्चुअल अमाउंट होगा जितना भी अमाउंट पेमेंट करेगा, और 12% विच एवर हाँ इज लोअर जो होगा उतना का अलाउड मिल जाएगा तुमको, ठीक है। रेमुनरेशन टू द पार्टनर के केसेस में तुम दो केस कर देना, लॉस होगा तो 1.5 लाख रुपया, दोनों को मर्ज करके पढ़ाए थे, इसको तोड़ के पढ़ सकते हो कि मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म का लॉस है तो भी कितने का अलाउड है, 1.5 लाख तक का अलाउड है, और यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का दो टुकड़ा करना, पहला 3 लाख रुपए के लिए अलग और एक्स्ट्रा के लिए अलग, जो भी 3 लाख रुपए है उसके उसको अलग कर देना, और एक्स्ट्रा जो बचेगा वो अलग कर देना। जो 3 लाख रुपए है उस 3 लाख रुपए में से 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख रुपए तक का क्या होगा, अलाउड होगा, ये सम्स करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और एक्स्ट्रा जो अमाउंट है 60% नहीं लिखा है, दोनों को मर्ज करके लिखा है, इससे तुमको नहीं समझ लॉस में, नहीं, लॉस दोनों को लिखा है ये, इसमें लिखे होंगे ये मिनिमम क्राइटेरिया ऐसे लिखा है हमने, तो मिनिमम मतलब लॉस ही तो होता है, ठीक है। खैर आगे बढ़े हम, इसमें जो एक जो तुमको का डाउट था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फुली टैक्सेबल होगा, क्या होगा बताओ, फुली टैक्सेबल होगा। बुक ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलता है बताते, कैसे बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, देख ली ईयर में यदि हम सॉल्व करें तो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 2019 का जनरल में आया था, ये 2019 का ऑनर्स में आया था, ठीक है। यदि इसको सॉल्व किया जाए, देखो आ जाओ, सम्स कैसे करेंगे साथ साथ करते रह ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट उठाएंगे, सबसे पहला नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट से वो सब आइटम को हटाना जो आइटम नॉर्मल प्रोविजंस में हटाते थे। क्या क्या हटाते थे, एक प्रोविजंस को हटाते थे क्या, उसको ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऐड होगा क्योंकि नीचे वाले से डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद सैलरी टू द पार्टनर्स, इसी को बोलते हैं रेमुनरेशन, ऐड कर देना, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स 15% है, ऐड कर देना। पहले तो इतना काम करना है तुमको, ठीक है, बताओ ना कितना आ रहा है। बोला सर कितना आ रहा बताना, ये नेट 2,70,000 आ रहा है क्या, यहाँ पे लिख रहे हम, प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहे हैं करके ऑब्वियसली ऐड करेगा। 2,90,000 नेट प्रॉफिट कितना था, जी सर 20,000 रुपया। इसमें सबसे पहले ऐड कर रहे हैं हम लोग क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना रुपया है, 5,000 रुपया। फिर ऐड कर रहे हैं हम लोग क्या, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, सर डेप्रिसिएशन एज पर सॉरी एज पर अकाउंट्स कितना है, सर 30,000 रुपया, ठीक है ना। उसके सर बाद फिर सैलरी टू द पार्टनर्स, इसको रेमुनरेशन टू द पार्टनर बोल सकते हैं, सैलरी टू द पार्टनर्स कितना, 1 लाख, 1,90,000। इंटरेस्ट पार्ट फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स 15% था, कितना रुपए का, 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज। सबसे पहले ये काम करना, समझ में आया क्या। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखना, क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम जो है यहां पे टैक्सेबल नहीं होता, किसी और हेड में टैक्सेबल होता है, आंसर इज बैंक इंटरेस्ट, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा ना, तो 40,000 रुपीज क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एक क्या क्या क्या, इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट वाला पार्ट ना, थोड़ा वेट कर, वेट कर, बता रहे हम क्या क्या बोलना चाह रहे हैं बता। बार चलिए सर 40,000 रुपीज, ये बता कितना आ रहा है, 2,50,000 कितना, 2,50,000 2,50,000 रुपये। अब तुम क्या कर लो ना, एडजस्टमेंट में देखो क्या क्या चीज लेस हो सकता है। एडजस्टमेंट में पहले डेप्रिसिएशन लेस होगा, डेप्रिसिएशन एस पाई टी एक्ट कितना है, 24,000 रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेनल्टी पेड टू द कस्टमर अथॉरिटी 10,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड पेनल्टी, यस कितना रुपया था, 10,000। yes.
10,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इनकम ऑफ अदर सोर्सेस सब्जित एंड सोजित 15,000 रुपीज एंड 10,000 रेसिडेंटी, ये तो तुम नीचे में जाकर जोड़ेंगे इनकम में। बस तुमसे पूछा बुक प्रॉफिट क्या होगा, तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, है ना, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। बता दो एक बार कितना परसेंट मैक्सिमम चार्ज होगा? 12% चार्ज कर दो, देखो एक बार। अब तुम यहां पे 45,000 रुपीज 15% के बराबर था, ऐसे करना है तो 12% के बराबर कितना होगा? 36,000। आप बताओ कितना रहे बुक प्रॉफिट? 2,00,000। बुक प्रॉफिट कितना रहा है? 2,00,000 रुपये। तो ऐड क्या किए फिर ऊपर 15%? क्योंकि 15% अलाउड नहीं था इसलिए हटाने के लिए ऐड कर दिए, 12% अलाउड है इसलिए माइनस करने के लिए नीचे लिख दिए। अब तुम इसका शॉर्टकट ये कर सकता, देख तुमको ये चीज समझ में आया तो ज्यादा अच्छा है। तुम इसका शॉर्टकट ऐसे कर सकता है, तुम बुक में ऐसा ही देखा होगा, एक्स्ट्रा 3% को खाली ऐड कर दो, बातें की है। तुम एक्स्ट्रा 3% का मतलब क्या होगा? 9,000 रुपया, 9,000 रुपये तुम डायरेक्टली ऐड कर दो, 9,000 होगा ना, 5×4 9, 9,000 रुपये को ऐड कर दो या फिर 45 ऐड करने के बाद 36 लेस कर दो, बातें की है। बट ये ना, ये जो हम तुमको बताए वो इजी लगता है, 15% पहले ऐड करके खत्म कर लिए फिर 12% अलाउड कर दिए, समझ में आया बात? इसको मिटा दे रहा, आगे देखते हैं। ब्रुक प्रॉफिट हो गया, उसके बाद हम वो लेस करेंगे क्या? रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स। उसके केसेस में हम लोग प्रोविजन क्या पड़े, लॉस है कि इनकम? इनकम इनकम होगा तो सेकंड वाला प्रोविजन लगेगा। सेकंड प्रोविजन में क्या था? 1.5 लाख को, सॉरी 3 लाख को अलग करो, बाकी को अलग करो। यहाँ पे 3 लाख का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख का कितना परसेंट? 90%, कितना आएगा? 1,80,000 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, क्या लेंगे हम लोग? 1,80,000 कितना रहा बताओ? 20,000। तुम्हारा पीजीपी इनकम आ गया, पीजीपी, हाँ देख यहाँ पे हायर लेते हैं, क्या दोनों का डिफरेंस? 3 लाख से ऊपर अमाउंट रहेगा ना तो उसका लेंगे 50%। 1.5 लाख अरे तो यहाँ पे इस किस को मर्ज किए थे ना, इसके चलते लोअर लिखा थे यार, इसको तुम मर्ज करे तो लोअर नहीं आएगा, ये समझा? ये पीजीपी का इनकम आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चाहिए अपने को, दिया हुआ ना। पहला क्या था? ये वाला लिख दिया, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कितना है? 40,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सुभजीत एंड सुजीत आज 15,000 रुपीज, ये तुम ले सकता है, मगर तुमसे पूछा क्या, देख लेते बार टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर्म लिख दिया है, टैक्स नहीं, नहीं नहीं लेगा, नहीं लेगा, कितना आ गया ये? 60,000 इज द टोटल इनकम, ठीक है, ये सारा टोटल इनकम, इसका टैक्स निकाल दो सर। टैक्स लाइबिलिटी कुछ बोला ही नहीं है ना यहाँ पे, फॉर्म है ना, सॉरी हम क्या बोल रहे, फॉर्म का टैक्स लाइबिलिटी 30% होगा, 60,000 का 30% जो अमाउंट आएगा बताओ कितना आ रहा है? आ रहा है 18,000 ना, और प्लस 4% सेल्स जोड़ देंगे है तो कितना आ रहा बताओ? ये 720 जोड़ के 18,720, ठीक है, समझा गया? आगे बढ़े, उतारेगा तो उतार ले, एग्जाम सामने आएगा ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये 2019 का जनरल का पेपर था, आसान था, हम लोग एक 2019 का ऑनर्स का पेपर करने जा रहे हैं, अच्छा समझा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ एम मिस पी एंड क्यू, शेयरिंग प्रॉफिट दे दिया है 3:2, ठीक है कोई इश्यू नहीं है। अपने को सम स्टार्ट करना है कहां से? नेट प्रॉफिट से, साथ साथ करते रहो तुम लोग भी,
ये अच्छा सेंस है इसलिए करा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन। इसको कहाँ करें हम? सॉल्यूशन में इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे सम्स। सेम इसका भी सम्स 30,000 रुपए है। क्या करेंगे, सबसे पहले वो सब फालतू आइटम जो डिसअलाउड है एक्सपेंडिचर उसको ऐड कर दे लाइन से, साथ साथ करते जाओ। पहला आइटम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कुछ नहीं करेंगे। रेमोशन टू द एम्प्लॉइज, कुछ नहीं करेंगे, एम्प्लॉइज है इतना। पार्टनर्स वाला डिसअलाउड होता है, तो पार्टनर्स वाला क्या करेंगे, 4,50,000 रुपए ऐड कर दो। 4,50,000 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, ये गलत है। हाँ, ये जो है 2,40,000 है, 2,40,000 है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेना, आगे बढ़ते हैं। 2,40,000 रुपए क्या करो, ऐड करो रेमोशन रेमुनरेशन टू थी पार्टनर्स, 2,40,000। समझे क्या, आगे बढ़ते हैं। अदर एक्सपेंसेस 88,000 रुपये, कुछ नहीं करेंगे। ड्राइंग डेप्रिसिएशन ऐड होगा, कितना था, 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 32,000 रुपये ऐड कर दो। कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्रेडिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है यहां पे, है तो कितना रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, कुछ लेंगे ही नहीं। हाँ, ये तुम्हारा अदर सोर्सेस का बैंक इंटरेस्ट हो, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल के लेस होगा, क्रेडिट साइड वाला आइटम हमेशा लेस ही होगा ना, इनकम है। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। बस अब एडजस्टमेंट में आ जाओ। पहला बोल रहा है कि सारा का सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा 40B का। ठीक है, मतलब 40B लगेगा। ठीक है, 40B लगेगा, मतलब इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं क्या हम लोग पहले, चलो लेस करते हैं। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैसे निकालते हैं, ये इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स कितना था, 32,000 रुपये था, कितना परसेंट के रेट के बराबर था, 16%। रट्टा मान लिया क्या, 16 × 4 = 12 ना। हाँ, कितना होता, 24,000 ना। कोई इश्यू यहां तक, ऐसे ही करना, ये ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है। लिख लेना एज पर 40B। ठीक है, चल अच्छा, पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं। बोल रहा अदर एक्सपेंसेस में, मतलब कौन सा आइटम में, यहां पे बोला इस 88,000 में क्या हुआ है, 24,000 पेड इन कैश, जो कि 20,000 से ऊपर पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, डिसअलाउड। 24,000 का 24,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ऐड करना पड़ेगा 24,000 रुपये, एड 20% क्या, 20% 24,000 पेड इन कैश एंड सप्लायर हु रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट पेमेंट फॉर द चेक। हाँ, क्या हुआ, 24,000 का 24,000 डिसअलाउड, 10,000 का छूटा, 20 कैश पेमेंट कितना है, 24,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, डोनेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, 6,000 रुपीज डोनेशन तुम दिए हो, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। 16 × 3 = 18,000 रुपए डिसअलाउड हो जाएगा, ऐड कर दो।
प्रश्न तो 18,000 पर, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट 15,000 पर लेस होगा, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया है, यहां पे ले सकते, लेस कर सकते हैं। लेस एज पर डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट कितना था? 15,000। बताना कितना आ रही है? एक कितना आ रहा है ये? लाख उनतीस 1,29,000 इज द बुक प्रॉफिट है, तो हम लोग अब इससे लेस करेंगे क्या रेमुनरेशन, क्योंकि 1,29,000 है। क्या होगा, कितना अमाउंट निकालो? 16,100 देख, 1,16,190% और 1,50,000, हायर कौन सा होगा? तो 1,50,000 अलाउड हो। ये नेगेटिव में आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है? 21,000 रुपये का लॉस में आ रहा है, पीजीपी लॉस का क्या आ रहा है? लॉस में आ रहा है ना ये वाली यहां तक। फिर अदर सोर्सेज को जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे एलटीसीजी है, वो सब जुड़ेगा। लगभग हाँ, एलटीसीजी कितना है? 1,52,000 1,52,000 रुपये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है? ऊपर में था ना इंटरेस्ट वाला पार्ट, 24,000 था क्या? 24,000 रुपये, ठीक है। जोड़ के कितना आ रही? जीटीआई कितना आ रहा है? 155,000। अब इससे खाली एक चीज लेस करना है, क्या डिडक्शन, क्योंकि हम लोग एटीसी में एटीजी में डोनेशन दिए थे ना, तो हम लोगों को डोनेशन में क्या मिल जाएगा? छूट मिलेगा। अब डोनेशन कहाँ कहाँ दिए थे देखो एक बार, ये तुमको याद करना पड़ेगा। डोनेशन रिकॉग्नाइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में मिलता है 50%, और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में मतलब 100%। तो इसका 50% हो गया तुम्हारा 3,000 रुपया, और इसका कितना हो गया? 12,000 रुपया, मतलब 15,000 रुपया ये छूट मिलता है, 15,000 रुपये का छूट। समझा कैसे किए? 3,000 प्लस क्या किए? 12,000 किए। डिडक्शन कितना आ गया वहां? 1,40,000। 1,40,000, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें क्या पूछना था? इसमें पूछा था टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी पूछा था। अच्छा, इस फॉर्म का टैक्स लाइबिलिटी यदि निकाले हम, तो देख इस पे तो टैक्स लगने नहीं थे, ये ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है इस एडजस्टमेंट के साथ। तो ये जो अमाउंट बचा है, ये सारा का सारा क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कितना लगता है? 20%। ये ध्यान रखना है इस पे, इसलिए हम ब्लू से लिख रहे हैं, रेड से लिख रहे हैं। कितना आ रहा बता? 28,000 रुपया प्लस 4% क्या करेंगे? सेस जोड़ेंगे, 4% एड सेस, ये कितना आ रहा है? 1,120। 29,120 रुपया। क्या बोले अभी? हाँ क्या? अरे तो इसमें बचा क्या? ये जो 1,40,000 कौन सा इनकम है? एलटीसीजी का ही पार्ट है ना, वो तो सेटअप हो चुके, खत्म हो चुका ना वाला अमाउंट। सब्सटेंशियल पार्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, इससे सबसे उसी के ऊपर, और उसके ऊपर टैक्स नॉर्मल केसेस में 30% लगता है पीजी पे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% लगता है, इसे टैक्स ही लगा। ठीक है, उतारो जल्दी से। जल्दी करो यार, जल्दी हो गया। ये क्वेश्चन कर लो एक बार, थोड़ा ये भी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, खुद से कर, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी करो एक बार। ठीक है, जल्दी जल्दी करा देगा। देख सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ ये 48,000, 38,000। 38,000 में सबसे पहले क्या क्या ऐड करेंगे? ये पूरा ऐड हुआ होगा तो ऐड बोल नहीं रहा है, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, सब ऐड कर देंगे। ये सनी ये छोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे, समझ गए बात?
इतना करने के बाद कितना आ रहा बता, फिर लास्ट में जाके 40 सौ पहले से हो जाएगा, यस लेस करो। और ये जो 5,000 रुपीज दिया हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, ऐड करने के बाद कितना आ रहा बता, बोलो। हाँ पहले बता, ये सब करने के बाद ऐड करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है, इसी को बोलते हैं पीजीपी का इनकम। पहला लगाई अच्छा हाँ, ऐसा बुक प्रॉफिट है, ये भी तो आएगा। एक मिनट, नहीं, रुक जा रुक जा, यहाँ पे 15% का इंटरेस्ट है ना, इसमें से 12% करेंगे, सबको जोड़ के कितना आ रही है, 60,000 रुपया डिवाइड बाई 48,000 रुपये, क्या हो जाएगा, अच्छा 48,000 रुपये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, हो जाएगा तो ये लेस कर देना। 6,970 उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है बताना है, 1,97,000 है तो उसका रेमुनेशन माइनस करेंगे, रेमुनेशन का अमाउंट कितना आ रहा है, 177,300, कितना आ रहा है माइनस करने के बाद, 19,700 रुपया। उसके बाद पीजी ये वाला इनकम को जोड़ देंगे ना, अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 50,000 रुपया ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6,970, दिस इज द टोटल इनकम। टैक्स निकाल देना, बात खत्म, टैक्स नहीं पूछे नहीं बस खत्म। सर, ठीक है, कैसे कैसे आ गया, जोड़ के आया, सर? एक्चुअली एक्चुअली हम लोग मजाक कर रहे थे, मजाक मजाक में आ गया।